देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे से होगी। कोरोना की चौथी लहर के आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक काफी अहम होने वाली है। माना जा रहा है कि मीटिंग के दौरान देश भर में कोरोना की बूस्टर डोज को फ्री किए जाने का प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। देश में अभी बूस्टर डोज निजी अस्पतालों में ही उपलब्ध है, जिसके लिए भुगतान करना होता है। देश में पिछले एक हफ्ते से लगातार 2000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता राजधानी दिल्ली को लेकर है, जहां रोज 1000 से ज्यादा केस मिल रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोविड के 1204 नए मामले सामने आए, वहीं 863 रिकवरी और एक मौत भी दर्ज की गई है। दिल्ली में एक्टिव केस 4508 रिकॉर्ड किए गए, वहीं पूरे देश में मंगलवार को 2506 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1910 लोग रिकवर हुए। कुल 6 मौतें रिकॉर्ड की गई है। अब आपको यह भी बताते चले कि देश में कोरोना की स्थिति क्या है। देश में नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना के कुल मामले 4,30,62,669 पहुंच गया है। वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वालों की रिकवरी रेट 98.75% रिकॉर्ड की गई है। कोरोना से अब तक 5,23,622 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना पर अब तक की अपडेट्स क्या है भारत में? ICMR के मुताबिक भारत में कल कोरोना के लिए 4,49,157 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में अब तक कुल 83,54,69,14 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। IIT मद्रास में 32 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद संस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमित छात्रों की कुल संख्या 111 हो गई है। एक स्टडी में पता चला है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन भी कमजोर है। स्टडी में बताया गया है कि ओमिक्रॉन के BA.1 वेरिएंट पर कोविशील्ड वैक्सीन का प्रभाव बेहद कम था। इस स्टडी में उन मरीजों को शामिल किया गया जो कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच फिर से कर्नाटक, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में मास्क अनिवार्य है। दिलचस्प बात यह है कि आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी वीरभूम हत्याकांड के बाद आमने सामने होंगे।